किसी को यहाँ पे मत कर कि ना करते गरीबों खाली ले जम पाए, कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है पूरा दिन हम थक आ रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है, सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी हैं, मच्छर काट इतने ज्यादा मच्छर होते हो आपको 12-12, 12:30 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो इंटरव्यू करते हो, तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए, हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है संवैधानिक देश में हम रहते हैं, दूसरा तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो हमको लेके जाएंगे, अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा और वो सजा उसको मिलनी चाहिए, बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस यूज FIR करेगी, आज आप लोगों ने FIR देख लिया है, इज इट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू यू बोथ कजरंग एंड विनेश? देखिए मैम आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ, हकीकत में जब हम नहीं देखते थे मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं देती थी, सामने से बोला आप मेरे को कार्ड नहीं दोगे, वो छोटी छोटी बातें, वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते थे वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी इतनी औकात तुम हमें इन्वाइट नहीं करोगे, ये उनके शब्द होते थे, हमारी मजबूरी थी हमें रेफरिंग करना था, हम आज भी इसी बात पर ही हैं कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी नहीं बोल पाए हम, आज हम बोले हैं आप सुनिए हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही सरकार है हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।